हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 12th। लास्ट टर्न पे आपको ध्यान होगा मैंने गैमीट फॉर्मेशन से रिलेटेड बताया था आपको कि इवेंट्स ऑफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें हमारा प्री फर्टिलाइजेशन आता है, फर्टिलाइजेशन आता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन आता है। और फिर हमने देखा था कि प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स आते हैं, एक तो आता है नंबर 1 गैमीट फॉर्मेशन और नंबर 2 आता है गैमीट ट्रांसफर। अब मैं बस आपको एक टर्म बताने वाला हूँ क्योंकि ये स्लाइड मैंने इसीलिए खोली हुई है। तो गैमीट फॉर्मेशन का जो एक प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है बेटा, इस प्रोसेस का ना एक नाम होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। तो जब ये टर्म आएगा गैमीटोजेनेसिस, तो उससे डरना नहीं है। बेसिकली गैमीट फॉर्मेशन को बोल रहा है गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। चाहे वो कहीं पे भी हो, मैंने आपको कहा था चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, टर्म हमारे सेम रहेंगे। बिल्कुल अभी भी ऐसा ही है, टर्म सेम रहेगा, गैमेटोजेनेसिस वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस यूनिट की जो इंट्रोडक्शन है पहले वो पढ़ते हैं। सो बायोलॉजी इज द एसेंस, बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ को ये रिप्रेजेंट करती है बायोलॉजी, हम उसको ही स्टडी कर पाते हैं। वाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डाई विदाउट फेल, स्पीशीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू द मिलियंस ऑफ ईयर्स अनलेस थ्रेटन्ड बाई द नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। क्या मतलब है इसका, क्या कह दिया इसने, समझते हैं कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो वो तो मर जाता है विदाउट फेल, मतलब बिना किसी डाउट के वो मरेगा ही मरेगा, किसी ना किसी दिन वो मरेगा ही मरेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पीशीज की, तो स्पीशीज तो कंटिन्यू रहेगी भाई। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस जो हैं वो पहले, बहुत टाइम पहले, 200 साल पहले भी थे, आज की भी डेट में है, लेकिन सेम ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन स्पीशीज कंटिन्यू है ना। टू लिव थ्रू द मिलियंस ऑफ ईयर्स, और ऐसा मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हो सकता है, ठीक है। अनलेस, ऐसा कब नहीं होगा, थ्रेटन्ड बाय द नेचुरल, हो सकता है कोई नेचुरल कॉजेज हो जाए जिसकी वजह से इंसान या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म खत्म ही हो जाए। और एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है सम मैन मेड एक्शंस, मैन मेड एक्शंस या मैन मेड मतलब मैन की वजह से, तो मैन से रिलेटेड जितने भी एक्शंस होते हैं हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन इसका मतलब है मैन की वजह से एक्सटिंक्शन, मैन का एक्सटिंक्शन नहीं, मैन की वजह से, मैन की जो एक्टिविटीज है उसकी वजह से, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि हो सकता है अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन, तो इनकी वजह से जो एक्सटिंक्शन होते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है कोई स्पीशीज खतरे में आ जाए। चलो, तो रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस। अब रिप्रोडक्शन इसी वजह से एक वाइटल प्रोसेस बन जाता है कि विदाउट विच स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, स्पीशीज उसके बिना तो सर्वाइव नहीं कर सकती अपने मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, ठीक है। तो ईच इंडिविजुअल लीव इज प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब ऑफ स्प्रिंग, बच्चे या जनरेशन छोड़ के जाती है, आइदर बाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो मैं छोटा सा एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे में बता देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दो पेरेंट्स होते हैं, उसमें एक मेल होगा बेटा और एक फीमेल होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या होता है, वन पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट होता है, कोई मेल फीमेल नहीं होता, सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सिंगल पेरेंट अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इट इज बाय द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर सेक्सुअल मीन्स से वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो है बाय द मेल एंड फीमेल। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। ओके, देन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरियंट्स। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है, तो उसमें न्यू वेरिएंट्स, न्यू वेरिएंट्स का मतलब है कि ऐसे इंडिविजुअल्स आते हैं जिनके अंदर वेरिएशन होता है, तो उन इंडिविजुअल्स को हमने क्या कहा, जिनके पास वेरिएशन है, न्यू वेरिएंट्स, ठीक है। सो दैट द सर्वाइवल एडवांटेज इज एडवांस्ड, एनहेंस्ड, ताकि सर्वाइवल का जो रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाए और सर्वाइवल एक ईजी प्रोसेस बन जाए सबके लिए। दिस यूनिट एक्सप्लेन्स द डिटेल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स जिसको हम बोलते हैं, एंड ह्यूमंस एज इजी टू रिलेट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल। तो हम ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली। अ रिलेटेड परस्पेक्टिव ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाउ
रिप्रोडक्टिव इल हेल्थ कैन बी अवॉइडेड इज ऑल्सो प्रेजेंटेड टू कम्प्लीट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है हमने एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर भी दिया है ताकि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी एक सोसाइटी बना सकें, ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको एजुकेट कर सकें और जो पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस कर सकें। ठीक है, तो जिसके बिना हमारी बायोलॉजी की जो एक इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ये हमारी सबसे पहली यूनिट है एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स अ वेरी वेरी गुड बेसिकली इनसाइट ऑफ अ पर्टिकुलर साइंटिस्ट। तो इसको पढ़ते हैं कि बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर राजस्थान पंचनन महेश्वरी, इसको पी महेश्वरी बोला जाता है। ओके, पी महेश्वरी रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट। ये ध्यान रखना है कि बॉटनिस्ट, ठीक है, ही वॉज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है जाने पहचाने। ठीक है, एक अलग से इनका ऑरा था, एक अलग से पहचान थी बॉटनिस्ट के नाम पे, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड। केवल इंडिया में नहीं, पूरे ही दुनिया में। वो अलाहाबाद मूव कर गए, फिर मूव टू अलाहाबाद फॉर हायर एजुकेशन, वेयर ही ऑब्टेन्ड हिज डीएससी। डीएससी इज बेसिकली ये होता है, एक डिग्री होती है, जैसे कि एक बैचलर्स इन साइंस होती है बीएससी, एक होती है एमएससी, तो उस टाइम पर एक और डिग्री होती थी डीएससी। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही वॉज इंस्पायर्ड बाई डॉक्टर डब्ल्यू डंजन एन अमेरिकन मिशनरी टीचर। एक्चुअली ही वॉज इंस्पायर्ड बता रहे हैं कि इसमें उनको इंस्पिरेशन मिली थी बाय अ पर्टिकुलर टीचर जिसका नाम है डॉक्टर डब्ल्यू डर्जन। नाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन बॉटनी, मतलब उसमें बॉटनी का इंटरेस्ट जो है उसी पर्टिकुलर टीचर की वजह से हुआ था, और खास करके उन्होंने मॉर्फोलॉजी को स्टडी करा था। अब ये मॉर्फोलॉजी क्या होती है, देखो मॉर्फोलॉजी आपको अगर नहीं पता तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या फिर फीचर्स। तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या फीचर्स की जब आप स्टडी करते हो दैट्स बेसिकली मॉर्फोलॉजी। हिज टीचर वंस एक्सप्रेस दैट इफ हिज स्टूडेंट प्रोग्रेस अहेड ऑफ हिम इट विल गिव हिम अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। तो उनके टीचर ने उनसे ये कहा कि अगर उनके स्टूडेंट्स, मतलब टीचर के जो स्टूडेंट्स थे, अगर वो लोग आगे निकल गए उस टीचर से भी तो उस टीचर को बहुत खुशी होगी। दीज वर्ड्स एनकरेज्ड मिस्टर महेश्वरी जो ये थे टू इंक्वायर व्हाट ही कुड डू फॉर हिज टीचर इन रिटर्न। तो इन्हें लगा कि मुझे अब टीचर को पीछे छोड़ना ही होगा क्योंकि वो ये चाहते हैं, तो इट्स माई मॉरल ड्यूटी टू डू सच थिंग। तो उनको ऐसा लगा। ही वर्कड ऑन द एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन द टैक्सोनॉमी। तो इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा था और उन्होंने पॉपुलराइज करा एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का टैक्सोनॉमी में यूज होना। तो टैक्सोनॉमी में जो एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज करते हैं तो उनके उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन इनका भी है। ठीक है, ही इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ डेली एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड द टिश्यू कल्चर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ डेली में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के एक इन्होंने इस्टेब्लिश करा और उसके अंडर ये क्या करते थे, रिसर्च करते थे एम्ब्रियोलॉजी में और टिश्यू कल्चर में। तो एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली होता है एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो, कौन एम्ब्रियो कितने टाइम में मैच्योर होगा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक प्लांट के पार्ट से हम पूरा का पूरा एक नया टिश्यू बना देते हैं, दैट इज बेसिकली टिश्यू कल्चर। ठीक है, ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड, उन्होंने और क्या एम्फसाइज का मतलब किसी चीज़ पे फोकस करना, किसी चीज़ को ज़्यादा टारगेट करना। तो ही एम्फसाइज द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो। मतलब उन्होंने क्या करा, इमेच्योर एम्ब्रियोज जो थे जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योर नहीं थे, तो वही बात है, और मैच्योर के साथ साथ उसमें ना डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, मतलब अभी टिश्यूज अलग अलग टाइप के टिश्यूज डेवलप नहीं हुए थे, बहुत अलग अलग तरीके के टिश्यूज। तो उन्होंने उसका आर्टिफिशियल कल्चर करना, मतलब नेचुरली करके लेबोरेटरी में उसका कल्चर करना, उसको ग्रो करना, इस पर ज़्यादा फोकस करा। दीज डेज टिश्यू कल्चर हैज़ बिकम अ लैंडमार्क इन साइंस। तो टिश्यू कल्चर आज की डेट में जो है वो एक लैंडमार्क है, क्योंकि हम बायोलॉजिकली एक पत्ती से भी एक एम्ब्रियो बना सकते हैं।
एक पत्ती ली हमने किसी प्लांट की, उससे हम एक एम्ब्रियो बना रहे हैं, उससे हम नया प्लांट बना देंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो साइंस है, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वॉन वर्ल्ड वाइड एक्लेम। मतलब इन्होंने एक वर्क किया था, क्या, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया था एंड इंट्रा ओवेरियन, ओवरी के अंदर पॉलिनेशन कराया था, वॉन वर्ल्ड वाइड एक्लेम। तो इसको, इस बात को, ये जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, इस चीज को वर्ल्ड वाइडली बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज किया था। ही वॉज ऑनर्ड विद द फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन, दैट इज FRS। देखो ये जो FRS होता है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो फेलो, इसकी जो फेलोशिप है, फेलोशिप मतलब एक काइंड ऑफ लाइक यू कैन से टाइटल बेसिकली, है ना, एक टाइटल है, एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है, एक पर्टिकुलर रोल मॉडल रोल है एक, ठीक है। तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये एक नेशनल लेवल पे हमारे देश के लिए और इनके लिए बहुत अच्छा कदम था। तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस, तो इनको FRS से मिला और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से भी मिला, और बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट्स ने भी इनको अवार्ड दिया था। ही एनकरेज जनरल एजुकेशन एंड मेड अ साइंटिफिक मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्कूल एजुकेशन बाई हिज लीडरशिप इन ब्रिंगिंग आउट द फर्स्ट टेक्सट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर एजुकेशन स्कूल्स पब्लिश बाई NCERT इन 1964। तो NCERT ने 1964 में इनकी इनकी प्रेजेंस में, इनके अंडर बहुत ही एक लीडरशिप वाली बुक पब्लिश करी, टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर एंड सेकेंडरी स्कूल्स। तो बायोलॉजी की एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक पब्लिश हुई, ठीक है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। और उन्होंने क्या करा, जनरल एजुकेशन मतलब जो साइंस, हम बायोलॉजी में जो अलग अलग तरीके की चीज़ें उन्होंने जो पढ़ी थी, उसको इंट्रोड्यूस, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी, और इस वजह से वो एक मेजर सिग्निफिकेंट बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं स्कूल एजुकेशन में, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ओके नाउ अब पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। देखो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ पढ़नी है, इसका नाम है फ्लावर, फूल बेसिकली, है ना, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, वो हम पढ़ेंगे बाद में कि फ्लावर क्या होता है। अब हमें पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। अगर ध्यान है, प्री फर्टिलाइजेशन हमने यहाँ पढ़ा था ना, गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट ट्रांसफर, बस यही पढ़ना है, ठीक है। ओके तो उसके बाद हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब फिलहाल के लिए आप कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन, और फिर आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो हमने यहाँ पे, अगेन हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हम फिर दोबारा से एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। ओके और फिर हम पढ़ेंगे कि ये एपोमिक्सिस क्या होता है और पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है। तो ये पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर चैप्टर में कवर करने हैं, ठीक है। पहले मैं आपको एक फ्लावर के बारे में एक बिल्कुल बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि जो फ्लावर होता है बेटा, किसी भी मतलब प्लांट में जो फ्लावर करता है, तो फ्लावर क्या है बेसिकली, एक रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका, प्लांट का। तो प्लांट रिप्रोडक्शन जो कर सकता है वो फ्लावर के थ्रू ही कर सकता है। अगर वो किसी और तरीके से रिप्रोडक्शन करना चाहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो नहीं कर सकता। तो उसके लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फ्लावर, ठीक है। अब इस फ्लावर का मतलब ये है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, एक फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है, राइट। तो ऐसा ही होता है। तो अगर मेल फ्लावर प्रेजेंट होता है तो वो हो गया भाई मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर के पार्ट्स जो, अगर वो फीमेल वाले हैं तो फीमेल फ्लावर हो गया। अभी कौन से मेल होते हैं, कौन से पार्ट फीमेल होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और हो सकता है एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट हो, तो वो फ्लावर कैसा हो जाएगा, बाईसेक्सुअल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बाईसेक्सुअल। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हर्मेफ्रोडाइट, मोनोइशियस, बाईसेक्सुअल, इस तरह के टर्म यूज करते हैं, तो बाईसेक्सुअल फ्लावर वो हो जाएगा, ठीक है। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्शुअली। हम इस बात के लिए बहुत ज्यादा लकी हैं कि प्लांट्स जो हैं वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, हम क्या लकी नहीं है, लकी हैं। द मेरिट्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी एंजॉय गेजिंग एट, द सेंट्स एंड द परफ्यूम दैट वी सून ओवर, द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस एंड ऑल दिस देयर
एज एन एड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फ्लावर का पूरा बुके टाइप होता है, जिसको हम देख के बहुत अच्छा लगता है, उसकी जो खुशबू आती है, जो परफ्यूम होता है, जिसे हम बहुत डिले बहुत एक महक सूंघ करके खुश होते हैं। फिर उसके कलर्स के बारे में बात करी गई है कि कलर हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब कुछ जो प्लांट कर रहा है, दरअसल वो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कर रहा है। कलरफुल फ्लावर, परफ्यूम वाला सेंस, जो सेंट जो है उसका, उसे कलरफुल पेटल्स जो हैं, ये सब कुछ जो है ना बेटा, और खूबसूरत फ्लावर जो है बेसिकली, ये सब कुछ जो है वो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कर रहा है। बीच में हम इंसान टपक के सारा काम कर लेते हैं कि भाई फ्लावर तोड़ा और अपनी पूजा में यूज़ कर लिया, फ्लावर तोड़ा अपने किसी दोस्त को दे दिया कि भाई गेट वेल सून, और फिर हमने फरवरी में तो यूज़ कर ही लेते हैं, है ना। तो ये सारी बातें। ओके नाउ, फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस, मतलब केवल हमारे लिए नहीं है, ठीक है। ऑल द फ्लावर्स प्लांट फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गन ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, ठीक है। एट अ लुक एट अ डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इनफ्लोरिसेंसेस, इनफ्लोरिसेंसेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर, बेसिकली कलेक्शन जो फ्लावर का होता है उसको बोलते हैं इनफ्लोरिसेंसेस। लेकिन कलेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपने एक रोज उठा लिया, एक सनफ्लावर उठा लिया, एक नहीं, एक ही प्लांट का जो फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है उसको बोलते हैं इनफ्लोरिसेंसेस, ठीक है। इनफ्लोरिसेंसेस हो गया, या अलग अलग फ्लावर्स हो गए, या उसके फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट मतलब फ्लावर के पार्ट्स। तो एक चीज हमें पता लगी कि फ्लोरल इक्वल्स टू फ्लावर, ठीक है, फ्लोरल इक्वल्स टू फ्लावर। तो अगर कहीं पे फ्लोरल बोला जा रहा है तो मतलब वो फ्लावर से रिलेटेड, फूल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोरल पार्ट्स शोज एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन टू एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सीड्स एंड द फ्रूट्स। कहने का मतलब ये है कि फ्लोरल पार्ट्स हो गए, इनफ्लोरिसेंस हो गया, या जो फ्लावर हो गया, इसमें ना हमने देखा है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के अडेप्टेशंस हैं, और क्यों है अडेप्टेशंस, ताकि जो एंड प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, ऑर्गेनोजेनेसिस, लेकिन ये इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो हम कह रहे हैं कि इसके भी बाद जो बनता है, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो होता है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है भाई, ये इन्होंने बताया है। क्या बताया है? कि भाई एक तो फ्रूट बनता है और सीड्स बनते हैं, तो उसको भी, ये कह रहे हैं, उसको भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ओके, इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। तो इस चैप्टर में हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर तो पढ़ेंगे ही अंदर से भी, एंड द प्रोसेस पढ़ेंगे किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में जितने भी पर्टिकुलर जितने हमारे फ्लावर्स वगैरह हैं सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लावर के बारे में बात करते हैं, फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस द टाइम इमेमोरियल, जब से टाइम हम अगर मतलब पिछली कुछ सदियों से, बहुत सारी सदियों से अगर देखा जाए तो फ्लावर्स का यूज होता रहा है ह्यूमंस के थ्रू, है ना। और टाइम इमेमोरियल मतलब याद भी नहीं होगा किसी को कि किसके कितनी पीढ़ियां से ये काम चलता आ रहा है, बहुत टाइम हो गया बेसिकली। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब देखने के लिए जो बहुत अच्छा लुक देता है वो वाला होता है एस्थेटिक। ऑर्नामेंटल मतलब सजावट वाला, सोशल मतलब किसी से रिलेशन वगैरह रखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के डेथ पे गए तो इन क्रिश्चियन कल्चर यू बेसिकली ऑफर द फ्लावर, ओके। एंड किसी को अगर किसी से मिलने गए हॉस्पिटल में, देन यू टेक द फ्लावर्स। फिर रिलीजियस है ना, हिंदू धर्म में फूल लेके जाते हैं मंदिर में। कल्चरल वैल्यू हो गया कि मतलब किसी पर्टिकुलर कल्चर में फ्लावर को पूजते हैं, या फिर फ्लावर अपने देवी देवता को चढ़ाते हैं पर्टिकुलर, तो दैट्स द कल्चरल वैल्यू। दे ऑलवेज हैव बीन यूज्ड सिंबल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। तो इनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं इन दी मतलब सामने वाले को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। और अगर कोई सामने नहीं भी है तो हम क्या किसको एक्सप्रेस करते हैं, जिसके लिए भी हम ये फ्लावर लेके जा रहे हैं, तो उसको हम उस पर्टिकुलर फ्लावर के थ्रू अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, लव, अफेक्शन, लव मतलब प्यार, अफेक्शन मतलब किसी के प्रति लगाव, हैप्पीनेस आपको पता ही है, ग्रीफ का मतलब होता है
दुख, और मॉर्निंग का मतलब होता है किसी के दुख में रोना या ग्रीव करना, इस तरीके से, ठीक है। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स, नीचे का आपको दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यूज दैट हैव कमर्शली कल्टिवेटेड एट। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट होम्स एंड गार्डन, मतलब गार्डन और होम में कौन से फ्लावर्स कल्टिवेट किए जाते हैं, उन 5 के नाम देने हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ फाइव फाइव मोर फ्लावर दैट आर यूज इन सोशल, अब पता लगाओ जो सोशल में यूज होते हैं, सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशंस में यूज होते हैं आपकी फैमिली में। हैव यू हर्ड ऑफ द फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के बारे में पढ़ा है क्या, और फ्लोरिकल्चर क्या होता है, उससे रिलेटेड ये सब बात है। बेसिकली ये एक होमवर्क देती है एनसीईआरटी टू इन ऑर्डर टू डेवलप सम काइंड ऑफ हैबिट इन यू, तो ये आपको करना चाहिए, आपको खुद से आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। बेसिकली फ्लोरिकल्चर तो पता करो फ्लोरिकल्चर क्या होता है, ठीक है, और कमेंट करना आपको क्या पता लगा कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है और इस चैप्टर से क्या रिलेशन है, पता करो व्हाट कि क्या होता है, और फिर कमेंट करो कि क्या रिलेशन है फ्लोरिकल्चर का इस चैप्टर से, ठीक है। ओके, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, मतलब बायोलॉजी की नजर से अगर देखें तो हम फ्लावर को फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हैं, फ्लावर की एम्ब्रियोलॉजी मतलब उसके अंदर एम्ब्रियो वगैरह या डेवलपमेंट कैसे होता है वो सब पढ़ सकते हैं, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है, एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है कि भाई यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट के अंदर, तो मैं उसको स्टडी कर सकता हूँ, ठीक है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रेड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, 11th क्लास में आपने फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं, राइट, तो मैं उसको यहाँ पर बताऊंगा, डोंट वरी। एक पर्टिकुलर डायग्राम दे रखा है जो कि एक टिपिकल फ्लावर का है, जो कि आपको रिकॉल करने में मदद करेगा, वो डायग्राम मैं आपको भी दिखाता हूँ। कैन यू नेम सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन विच टू मोर इन विच टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप, तो ऐसे 2 पार्ट बताने हैं जिस उन उनके अंदर जिसमें यूनिट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप होता है, अभी देखते हैं कौन कौन से हैं। ओके, ये एक टिपिकल डायग्राम दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में, ठीक है, हम इसको स्टडी करते हैं। तो देखो इसमें बेटा एक चीज दे रखी है एंथर, है ना, एंथर दे रखा है और एक फिलामेंट दे रखा है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेमन भी बोलते हैं, याद आया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्टेमन, इसको हम जो बोलते हैं इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट होता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और इसको हम बेटा बोलते हैं पिस्टल, या फिर इसको हम कार्पल भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं देखते हैं। एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओवरी, ये सब आएगा, डोंट वरी, ये सब आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि फीमेल और मेल में क्या डिफरेंस है। तो ये जो अभी 2 मैंने सर्किल करे हैं डायग्राम में, एंथर और फिलामेंट, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। और अब जो लेबल करने वाला हूँ ग्रीन पेन से, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी इज अ फीमेल, इज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो एंथर ऑफ फिलामेंट है वो किसका है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। लेकिन अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि वे बचे हुए पार्ट का क्या, तो जो पेटल होता है, सेपल होता है, ये फ्लोरल पार्ट्स है, क्या है बेटा, फ्लावर के दूसरे पार्ट्स है, मतलब ये ना तो मेल में आते हैं ना ये फीमेल में आते हैं, ठीक है। ओके, अब आता है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एलिमेंट, प्री फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, देखो इनके हिसाब से आपने फ्लावर को पहले ही पढ़ रखा है, तो अगर नहीं पढ़ रखा तो एक बार आप फ्लावर के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं दोबारा से 10th क्लास की एनसीईआरटी में, ठीक है। और अगर अब हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, तो चैप्टर में ये पढ़ा रहे हैं हमें प्री फर्टिलाइजेशन, ये प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसका मतलब हम पहले पढ़ेंगे गैमेट फॉर्मेशन, उसके बाद पढ़ेंगे गैमेट का ट्रांसफर। तो ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन वाला जो पार्ट है,
इसमें गैमीट बनाएंगे, फिर गैमीट का ट्रांसफर होगा, लेकिन सबसे पहले गैमीट बनेगा कहाँ ये भी तो बताना होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये भी पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर कौन सा है, कौन सा स्ट्रक्चर है। स्टेमन का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ते हैं, पोलन ग्रेन पढ़ते हैं, फिर बाद में जा करके हम पढ़ते हैं, सॉरी बाद में जा करके हम पढ़ते हैं, सॉरी हाँ बाद में जाके हम पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ओके। तो प्री फर्टिलाइजेशन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इवेंट्स हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब कर रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि जब तक आपको एक एक्चुअल फ्लावर दिखता है प्लांट पे, कि फ्लावर प्लांट के ऊपर फ्लावर आने वाला है, ये डिसीजन बहुत पहले ले लिया जाता है। फ्लावर बाद में आया लेकिन डिसीजन बहुत पहले ले लिया गया। कैसे समझते हैं, तो सेवरल हार्मोन, प्लांट के अंदर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रिमोर्डियम। मतलब कि कुछ पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, कुछ हार्मोन ने और कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स अपने आप को चेंज करते हैं, और हार्मोन की वजह से वो स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन मतलब जो टिश्यू होता है वो अपने आप को वो डिवाइड कर करके स्पेशल फंक्शन के लिए सेल्स को चेंज करता है, सेल को चेंज कर देता है कि भाई अब तुम डिवाइड 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 मत करो, केवल डिवाइड करो और एक स्ट्रक्चर बनाओ। तो डिवाइड करते रहना प्लस साथ में एक स्ट्रक्चर बना देना, ये होता है डिफरेंशिएशन। एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रिमोर्डियम, फ्लोरल मतलब फ्लावर, प्रीमोडियम का मतलब होता है एक छोटा सा टिश्यू जिसके अंदर मल्टीपल सेल्स हैं, और ये अभी प्रीमोडियम का मतलब है बहुत ही रूडिमेंट्री है, बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है, डेवलप ही हो रहा है। तो फ्लोरल यानी कि फ्लोरल मतलब कि फ्लावर से रिलेटेड, उसका ये मेरिस्टेम है। उसका क्या है बेटा, ये मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स हैं। फ्लोरल मेरिस्टेम क्या होता है, मतलब कि फ्लोरल मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम का मतलब है एवर डिवाइडिंग सेल्स, ऐसे सेल्स जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। तो अब वो सेल्स, अब मतलब मेरिस्टेम के सेल्स जो आपने पढ़े हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम में वो अपने आप को चेंज करता है कि वो फ्लावर बनाएगा, तो फ्लोरल मेरिस्टेम में वो कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम। तो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ, और उस फ्लोरल मेरिस्टेम का जो इनिशियल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं प्रीमोडियम, ठीक है। तो प्रीमोडियम मतलब इनिशियल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ द पर्टिकुलर टिश्यू वाला पार्ट। इनफ्लोरिसेंसेस आर, इनफ्लोरिसेंस अगेन ग्रुप ऑफ फ्लावर बेसिकली, आर फॉर्म्ड विच बियर फ्लोरल बर्ड्स एंड देन फ्लावर्स। तो उसमें पहले कलियां आती हैं और फिर उससे फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। तो इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। अब फ्लावर में जो होता है एक मेल पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं, और एक फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। तो मेल वाला है एंड्रोशियम मेल, और फीमेल वाला है गाइनोशियम, वो डिफरेंशिएट होते हैं और वो अपने आप को डेवलप करते हैं। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ स्टेमन्स रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमें पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो स्टेमन होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो गाइनोशियम होता है, ये हमें पता है। अब इसमें एक चीज लिखी है वर्ल्ड, WHORL। तो बेटा फ्लावर जो होता है वो ऐसे प्रेजेंट होता है ना, मैं अगर कहूँ मैं फ्लावर को सबसे ऊपर से देख रहा हूँ, तो उसमें एक फूल की पत्ती ऐसे प्रेजेंट है, उसमें फूल की पत्ती ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट, राइट। तो वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से गोल गोल जो है ना, ये फ्लावर, फ्लावर के मतलब चारों तरफ, उसको बोलते हैं वर्ल्ड, ठीक है, फ्लावर के चारों तरफ बेसिकली, दैट्स कॉल्ड वर्ल्ड, ठीक है, ओके। तो अब आता है स्टेमेंस, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो ये स्टेमन क्या होता है, हमने पढ़ लिया स्टेमन का मतलब है एंथर ऑफ फिलामेंट प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। तो फिगर 2.1 जो कि ये वाला है राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर डायग्राम्स, ये
shows the two parts of a typical stamen, the long slender stalk called the filament and the terminally generally bilobed structure called the anther. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक लॉन्ग मतलब लंबा सा सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है थिन, सिलेंडर का मतलब थिन, तो पतला छोटा सा स्टॉक, स्टॉक मतलब डंडी, बेसिकली डंडी को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं मुझे पता नहीं, बट डंडी, ठीक है, इट्स अ छोटी सी डंडी जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो ये एक फिलामेंट है, ये वाला फिलामेंट है, नीचे लिख भी रखा है फिलामेंट, स्टॉक छोटी सी डंडी, और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा एंथ, ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं। तो ये टर्मिनल होता है, मतलब सबसे टिप पे प्रेजेंट होता है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, फिलामेंट का जो सबसे पहला पार्ट है वो अटैच होता है, वो अटैच होता है थैलेमस से, और द पेटल और द ऑफ द फ्लावर, कहने का मतलब ये वाला पार्ट कह रहे हैं, नीचे वाला, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये हो गया डिस्टल, DISTL, डिस्टल एंड, और ये वाला हो गया प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है किसी भी फिलामेंट का वो किससे अटैच है, या तो थैलेमस से, या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर, फूल की पत्ती से, या फिर थैलेमस से। अब ये थैलेमस क्या होता है, तो थैलेमस के लिए ध्यान से समझना, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, फूल जो होता है वो ऐसे होता है, और उसमें यहाँ पर आपके पेटल्स आते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे सेपल प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो गोल सा जो पार्ट मैंने अभी जो बनाया था, कौन सा, ओहो, गोल सा जो पार्ट मैंने इस तरीके से जो बनाया है ना, जिसके ऊपर पेटल लगते हैं, स्टेमन जहाँ से आता है, तो ये जो गोल सा पार्ट है ये थैलेमस होता है, जिसके ऊपर सारे फ्लावर के सारे पार्ट्स लगेंगे, वो होता है थैलेमस। तो या तो थैलेमस से अटैच है, या फिर फ्लावर के पेटल से अटैच है। द नंबर एंड द स्टेंथ, नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमेंट्स आर वेरिएबल। तो नंबर हो जो है स्टेमन का, और जो लेंथ है स्टेमन की, वो वेरिएबल हो सकता है फ्लावर टू फ्लावर, मतलब हो सकता है किसी फ्लावर में दो एंथर हैं, हो सकता है फ्लावर किसी फ्लावर में तीन एंथर हैं, हो सकता है किसी में छोटा सा फिलामेंट है, किसी में बड़ा सा फिलामेंट है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है, फ्लावर टू फ्लावर डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आप 10 फ्लावर्स कलेक्ट करोगे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के, और फिर उसको अगर स्लाइड पे देखो, तो आपको बहुत ही सारी चीज़ें डिफरेंट दिखाई देंगी, पोलन ग्रेन भी अलग, माइक्रो एंथर भी अलग, फिलामेंट भी अलग अलग साइजेस के, तो उस तरीके से हमें पता लगता रहेगा। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर द डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड इलुसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर एंड इन द डिफरेंट फ्लावर्स। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं, उसके अलग अलग स्लाइड बनाइए, जिसकी वजह से आपको एक शेप और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के जो अरेंजमेंट है एंथर का, उसके बारे में आपको पता लगेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो एंथर का स्ट्रक्चर है, और ये पर्टिकुलर डायग्राम जो है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।